अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं फ्रूट सलाद बनाने जा रही हूँ, कुछ नए तरीके का। सोचा आपको कुछ सिखा भी देती हूँ। तो जैसे बच्चे स्कूलों में होते हैं, हम इकोनॉमी सीखते हैं, अपने फूड की प्रेजेंटेशन देते हैं, जब उनकी खानादारी होती है तो उनको काफ़ी किस्म की चीज़ें बनानी होती हैं, पर अपनी अच्छे से अच्छी कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा बनाएं। तो इसलिए छोटा सा तरीका है बनाने का। जैसे ये मैंने टमाटर का छिलका ले लिया, इसको कुछ कहीं से मोटा काटा, कहीं से बारीक काटा, इसका कोई ज़रूरत नहीं, जैसा भी आप काट लें। ये तो बहुत ही आसान ट्रिक है ये रोज़ बनाने की। इसको ऐसे हल्का हल्का फोल्ड करेंगे अपसाइड डाउन को। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये देखें, रोज़ तैयार हो गया हमारा। अब हम खीरा ले लेते हैं, और साइडों की डेकोरेशन करने के लिए ये आपको बताती हूँ। हमने इसको छीला नहीं है, ये ऐसे अच्छा लगता है। तो ऊपर से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। आप ज़रा ये चेक कर लिएगा कि ये ख़राब ना हो या कड़वा ना हो। इसको ऐसे बारीक बारीक काट लेते हैं, जो ज़्यादा बारीक हो उनको साइड पे कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे आप ऐसे मिड में कट लगा लें और ऐसे काट लें। ये इसका बहुत ही आसान तरीका है डिश बनाने का, मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने ये किस तरह बनाई है। इनको ऐसे साथ साथ जोड़ देंगे, देखिए कैसे एक लड़ी की तरह बनती जा रही है। फिक्र नहीं करनी, कहीं से अप डाउन तो होता ही रहता है। तो हाफ के ऊपर रख देनी है, हाफ नीचे ऐसे। और देखें साइडें कितनी प्यारी लगने लग गई हैं। देखें बस हमारी तो प्लेट जैसे सजी गई है, कितनी अच्छी लग रही है। साइड पर ऐसे जैसे प्रिंट डिजाइन होता है, देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। आप भी घर में बनाइएगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों साइडों से काट लिया है खीरा बराबर साइज का। अब हम ऐसे बनाएंगे जैसे छोटी सी टोकरी होती है। अब हम मिड में इसके दो कट लगाएंगे छोटे से ऐसे। इसका ये हिस्सा निकाल के साइड पे कर लेते हैं। अब ऐसे ही बाकियों का भी करना है ऐसे। इसके ऊपर लगा देते हैं क्या साइज खराब ना हो हमारा ऐसे ऐसे। बहुत ही इजी सा ट्रिक है, आप घर में बनाएं, मेहमान हैं इनका आगे पेश करें, देखने में भी कितने अच्छे लगते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके नीचे कट लगाए ताकि ये स्टैंड करे, और इनको सबको वापस इनके पीसेस में लगा दिया है। अब इनको वन बाय वन आगे करते हैं, जैसे कोई बतख के पार हो ऐसे। ये स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है, अब ज़्यादा कट हो गया कि जैसे एक बतख का जो पारा ऐसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यूअर्स, मैंने इसके मिड में एक कट लगा दिया है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों को बराबर बराबर आगे करेंगे। जैसे कि आप व्यूअर्स देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से बना है। ऐसे भी आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, इसके अंदर जैसे कि कोई फ्रूट रख दें जो इतना अच्छा लगेगा इसके अंदर। व्यूअर्स, अब हमने एक खीरा बराबर साइज का ले लिया है छोटा। अब हम इसको लाइन बाय लाइन लगाते जा रहे हैं ऐसे, ऊपर से नीचे की तरफ। अब हम इसको ऐसे हल्का हल्का फोल्ड करते जाएंगे ये तो अभी छोटा बनाया है, देखिए ऐसे दो तीन फ्लावर्स बनाएंगे तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। चावलों के ऊपर खाना बनाए उसके ऊपर लगाएंगे तो ये इसकी बहुत ही डेकोरेशन अच्छी बनेगी। व्यूअर्स, अब इसके आप ऐसा ना चाहें तो ऐसे आप नीचे लगा सकते हैं, और इसके ऊपर हम अपनी बंद गोभी, खीरा, गाजर, जो भी आप डालना चाहें अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं।
व्यूअर्स, अब हमने बंद गोभी ले लिया है, इसको हम ऐसे कटर की मदद से बारीक बारीक काट लेते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गाजरों के पीसेस लगा लिए, उनको बारीक बारीक काट लिए। साइडों पे हमारा जी सैलड है, दरमियान में हमने बंद गोभी डाल के उसके ऊपर फ्लावर लगा लिया जो हमने पहले बनाया था। आप चाहें तो ये वाला फ्लावर भी लगा सकते हैं, मगर ये काफ़ी बड़ा है इसके हिसाब से, इसलिए मैंने ये छोटा लगाया है। तो इसके ऊपर आप नमक मिर्च डालें, नींबू डालें, आप जो भी डालना चाहते हैं डालें, ये बहुत टेस्टी बनेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।